प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह बजट सत्र है और मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, उन गारंटियों को पूरा करने के लक्ष्य पर हमें आगे बढ़ना है। अमृतकाल का यह महत्वपूर्ण बजट है जो हमारे 5 साल के कार्य की दिशा तय करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आजादी के 100 साल होने पर 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने का जो लक्ष्य हमने रखा है, कल पेश किया जाने वाला बजट इस पर केंद्रित होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कल मजबूत बजट पेश करने आएंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने देश की इकोनॉमी पर बात करते हुए कहा कि भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है और लगातार 3 बार से 8% ग्रोथ के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव आउटलुक और लगातार बढ़ रहा इन्वेस्टमेंट इस बात का सबूत है। कल 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते बीते 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। देश में लगातार 3री बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार का ये पहला बजट होगा। इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और देश में एनडीए गठबंधन की सरकार है और इस सरकार से बजट में लोगों को इस बार खासी उम्मीदें हैं। देश की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारामन अपने कार्यकाल का ये लगातार 7वां बजट करते हुए इतिहास रचने जा रही है। बता दें कि इकोनॉमी सर्वे को 2 भागों में बांटकर पेश किया जाता है। पहला हिस्सा देश के करेंट सिचुएशन को प्रदर्शित करता है तो वही दूसरा पार्ट अलग अलग सेक्टर्स के जरूरी आंकड़े दिखाता है। गौरतलब है कि ये सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मार्गदर्शन में तैयार होता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में बनाए गए इस आर्थिक सर्वे के दस्तावेज को वित्त मंत्री अनुमोदित करती है। बता दें कि पहला इकोनॉमिक सर्वे वित्त वर्ष 1950 में आया था जो वित्त वर्ष 1950 से 51 का था। पहले ये सर्वे बजट के बाद वाले दिन पेश होता था लेकिन 1964 से इसे बजट से 1 दिन पहले पेश किया जाने लगा और तब ये इसी क्रम में संसद में पेश किया जाता है। निर्मला सीतारामन द्वारा कल पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024 से वेतनभोगी वर्ग को बड़ी उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव कर फोकस कर सकती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार के बजट में बड़ा ऐलान करते हुए आयकर अधिनियम के द्वारा 80C के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर ऐलान कर सकती है। वित्त वर्ष 2014-15 से 1.5 लाख रुपए पर स्थिर बनी हुई है कटौती। इस बार के बजट 2 लाख रुपए तक हो सकती है। इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी।